आइए मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ। आजकल इसमें गुलदावरी खूब खिली हुई है और इसके बीच में कुछ रोज़ प्लांट भी हैं, जिसमें से पुष्पांजलि से लिया हुआ एक रोज़ प्लांट पिछले साल का, ये मिडनाइट ब्लू है और ये अच्छे फ्लावर दे रहा है। और उसके बाद पुष्पांजलि से मैंने पिछले साल कुछ रोज़ प्लांट मंगाए थे, जिस जो कि सभी लग गए हैं और फ्लावर दे रहे हैं। ये कलकत्ता 300 हैं और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और उसके आगे गुलदावरी के कई कलर इसमें आजकल खिले हुए हैं। इसमें रोज और गुलदावरी मिक्स लगी हुई है, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है कि गुलाब के प्लांट में कुछ स्केल वगैरह लगा हुआ है, जिसको मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। थीटा मंगाया हुआ है मैंने, थीटा से कर रहा हूँ। और ये पुष्पांजलि का रोज़ है, ये लवर्स मीटिंग है और ये पिंक नहीं, ये ऑरेंज कलर का है और बहुत सुंदर फ्लावर इसमें आता है। और उसके बाद एक और कलर है और प्लांट का नाम है बोरा बोरा। इसमें भी बहुत बढ़िया फ्लावर आ रहा है, मगर इसकी ग्रोथ अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर फ्लावर ये दे रहा है। और कुछ हिबिस्कस के प्लांट भी लगे हुए हैं। अभी मैंने और प्लांट भी मंगवाए हैं पुष्पांजलि से, जो कि 2-3 दिन में मेरे पास आने वाले हैं। और पुष्पांजलि का एक प्लांट ये है, पीले कलर में है और इसका नाम है जूलिया चाइल्ड। एक्चुअली मैंने इसके टैग हटा दिए हैं, मगर नाम मुझे याद है और प्लांट भी अच्छे हैं। और अब इसमें गुलदावरी मैक्सिमम खिली हुई है, पीक पे है इस वक्त। और अभी जो प्लांट आ रहे हैं पुष्पांजलि से, राजू जी से, उसके लिए मैंने गमले तैयार कर रखे हैं। जैसे ही आते हैं मैं इसमें ये पॉटिंग कर दूंगा। ये 6 इंच के 7 इंच के छोटे गमले मैंने तैयार कर दिए हैं, कुछ बड़े भी हैं, जो कि फ्लावर प्लांट आने का इंतज़ार में है। और ये मेरा गार्डन है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता हूँ। और इसमें डहलिया खिला हुआ है, डहलिया तो बहुत ही बड़ा है। डहलिया का फ्लावर देखिए आप, इतना बड़ा फ्लावर है। और डहलिया के साथ अभी रोज़ भी चल रहे हैं, अभी मैंने इनकी प्रूनिंग नहीं की है। हमारे यहाँ पे सर्दी दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा पड़ती है, उस वक्त इसमें ग्रोथ नहीं होती है। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी दिसंबर में प्रूनिंग की जाए, ताकि जनवरी में इसमें नए सूट आ जाएं। अभी थोड़ा मैं 10-15 दिन के बाद ही इसकी प्रूनिंग करूँगा। ये मेरा प्लांट है, देखिए दोस्तों, ये मेरा गार्डन, ये पूरे आंगन को इसने कलर कर दिया हुआ है। बहुत सारे कलर में मेरा आंगन भरा हुआ है, ये देखिए। और साथ में किचन गार्डनिंग भी चली हुई है, जिसमें पालक लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ है, लहसुन लगा हुआ है और मूली लगी हुई है। किचन गार्डनिंग भी इसके साथ साथ मैं करता रहता हूँ। ओके दोस्तों, बाय।